ग्राम पंचायत बलवाड़ा के चौधरी मोहल्ले में बन रहे पंचपंचेश्वर योजना के तहत बनने वाले 4 खरंजों का निर्माण तकरीबन 2,40,000 से किया जा रहा है। काम की गुणवत्ता में कमी के चलते ग्रामीणों ने प्रश्न लगाते हुए काम को बंद करवा दिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह ठाकुर ने बताया कि रेत के नाम पर पास के नाले से काली रेत में मिट्टी युक्त रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर सब इंजीनियर अरिल को करते हुए मौके का निरीक्षण के लिए बुलवाया था, पर इंजीनियर ने गुणवत्ता के साथ काम ठीक होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया। भागीरथ चौधरी ने बताया कि मौके पर आज भी नाले की धूलयुक्त रेती वे डस्ट वाली चूरी वहीं पड़ी हुई है। संतोष चौधरी ने बताया कि हम ग्रामीणों ने हंगामा कर मौके पर ठेकेदार को काम बंद करने को कहा तो ठेकेदार ने कहा कि इंजीनियर से बात हो गई है, काम तो चलता ही रहेगा। इससे ऐसा लगता है कि इंजीनियर की मिलीभगत से धूल वाली रेती लगाई जा रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इस मामले में कमीशनबाजी के चलते लीपापोती की जा रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम को भी आवेदन दिया है। वहीं इस पूरे मामले में इंजीनियर अनिल दशोरे ने बताया कि अभी बेस बनाया गया है, ठेकेदार को काम रोकने को कहा गया था लेकिन वह नहीं मान रहा। इस संबंध में सरपंच सुधा यादव ने बताया कि काम रोक दिया गया है, वहीं दूसरी रेती आने पर ग्रामीणों को दिखा कर ही काम दोबारा शुरू किया जाएगा। पूर्व में भी पंचायत द्वारा विधायक निधि से अनेक कार्य करवाए गए हैं, वह भी गुणवत्ता बिना जांचे ही उनके बिलों का भुगतान कर दिया गया है। तुमको नहीं करना चाहिए ये काम, क्योंकि तुम्हारे गांव में भी वापस खुद जाएगा। तुमको चाहिए ना कि नहीं हो, ले जाए ना। अरे देखो कोई दिक्कत थोड़ी है, सरपंच को सचिव को बता दूंगा कि भैया ये सचिव यही है ना, ये सचिव थोड़ी, ये तो कार का ये तो वर्तमान सचिव, हमारा तो सब कुछ यही है आज की तारीख में। मेरी मीटिंग है 12:30 बजे, मेरे को आना है। अब मैं वहाँ से अगर जल्दी फ्री हो गया, नहीं शाम को आऊंगा मैडम आएगी फिर बोलोगे की ये खरंजा ऐसा हो गया ऐसा हो गया। चलो आप मेरे को फोन लगा देना, मेरा नंबर है आपके पास, ठीक आप फ्री हो जाओ मुझे कॉल करना। और ये अगर आज नहीं फ्री हुआ तो कल, हाँ कल, चलो कल मिलते हैं। स्थानीय लोगों का ले लो, स्थानीय लोगों का ले लो सचिन भैया, इनका ले लो। अरे ये पूछ आ जाए, इधर कल को तुम्हारे को ही आफत आएगी। बिल्कुल ये बात, 3 महीने रोड नहीं चलेगा, उखड़ जाएगा, फिर तुम रोओगे कि यार ये काम ऐसा हुआ है, हमारा काम ढंग का नहीं हुआ है, फलाना नहीं हुआ, ढिमका नहीं हुआ, क्योंकि एक बार रोड बनता है 5 साल तक वापस नहीं आएगा। पहले रोड खा गए जब से कहे हुए आए हैं यहाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार में अच्छा करवा लो। 3 बार पैसा निकल गया रोड को बजट तक, सरकार ने पूरा पैसा दिया है, ऐसा नहीं पैसा काट के दिया है, पूरा पैसा खा गए ना, पूरा दिया हुआ है। पुल नहीं बने, नाली नहीं बने, नाली नहीं बने, तो तुम्हारे गांव का काम हो रहा है, अच्छा व्यवस्थित करो, पक्का काम करो। आप ये काम है ना कर रहे हैं, हम चलन उतार के मैं डाल देता हूँ। मैंने बोला था हम भी जय भीम जय अम्बेडकर हैं सबको, हमारा तो मेन रोड बनेगा। सनावत से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सत्यार्थी की रिपोर्ट।